हेलो फ्रेंड, मुन्ना एलसीडी एलईडी में आपका स्वागत है। मैं मुन्ना रजक वेस्ट बंगाल कोलकाता से बोल रहा हूँ। दोस्तों, आज का टॉपिक है ये हमारी ये एलजी की एलईडी टीवी जो कि बैकलाइट की प्रॉब्लम है। बैकलाइट की प्रॉब्लम हम लोग समझते हैं कि आम होती है, लेकिन नहीं, बैकलाइट की प्रॉब्लम बहुत क्रिटिकल होती है। मैं अपने पिछले वीडियो में भी डिटेल्स बताया हूँ कि ये बैकलाइट की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाता है। हम लोग इतने ही जानते हैं कि बैकलाइट अगर नहीं जली तो हम लोग उसको खोलकर सीरीज में अगर होती है तो उसको पेयर में कर देते हैं और उसको जलाने के लिए कोशिश करते हैं। वो तो जल तो जाती है, लेकिन जितनी ब्राइट की ज़रूरत होती है हमारी उतनी ब्राइट नहीं मिलती है और वो लॉन्गजीविटी भी नहीं होती है। तो मैं अपना ट्रेनिंग में ये सब उपाय नहीं बताता हूँ, मैं बोलता हूँ जो कंपनी ने जैसा दिया है उसी तरह से आपको जलाना है। कंपनी वाले ने कुछ समझ के ही दिया है तो सीरीज किया होगा, तो ये आप लोग इसको पहचानते होंगे बहुत सारे काफ़ी। अगर नहीं पहचानते होंगे तो आप लोग इसको देख लो। इसको क्या नाम से जाना जाता है, ये ड्राइवर जो है गोल्ड 97E, इस नंबर से इसको जाना जाता है और इस नाम से जाना जाता है क्योंकि ये गोल्ड टाइप में दिखती है और ये काफ़ी अच्छी है और ये बहुत, मतलब इसका रिपोर्ट जो है बहुत अच्छा है, 99.9% अच्छा है। और इसमें भी आप देख सकते हो कि ये एक जंपर दिया हुआ है जो कि ग्राउंड के साथ है। ये जंपर को शॉर्ट करने से हमारी एम्पियर मानी यानी ताकत बढ़ती है और ये जितनी रेजिस्टेंस है ये 3.3 ओम्स की रेजिस्टेंस है। तो ये रेजिस्टेंस को आप लोग इग्नोर मत करोगे। और लगाने से पहले मैं आपको बता दूं, ये कितने लोग ने कमेंट किए हैं या बोलते हैं कि प्लस और माइनस ये डायरेक्ट यहाँ पर दे देते हैं, लेकिन डायरेक्ट आपको यहाँ पर देने से आपकी एलईडी इसलिए नहीं जलती है। और ये एलईडी नहीं जलती है इसलिए कि एक ग्राउंड के साथ इसकी संपर्क है। जो सीआरटी वाले हैं, हमारे जो ट्रेनिंग होता है ये अपडेट ट्रेनिंग होता है सीआरटी के लिए, जो सीआरटी टीवी बनाते हैं उनके लिए, ये नए लोग के लिए नहीं है। तो वो लोग जानते हैं कि वर्टिकल सेक्शन में 1000 MFD 35 वोल्ट से ग्राउंड होती थी जो यक की कनेक्शन में जाती थी, ग्राउंड रेजिस्टेंस हम लोग बोलते थे। और वर्टिकल छोटा बड़ा होने से इसको हम लोग कम बेसी करके एक करते थे, तो वो आपको रेजिस्टेंस मालूम होगा कि वो लगभग 1 ओम्स से भी कम होती थी, 1 ओम्स और 2.2 ओम्स के बीच में होती थी। तो यही रेजिस्टेंस यहाँ काम करता है, ये बहुत लो ओम्स में होता है, लेकिन यहाँ से आप इसकी ग्राउंड में कंटिन्यूटी आपको मिलेगा। लेकिन क्योंकि ये 3.3 ओम्स है इसका बहुत काम है, आप इसको इग्नोर मत करोगे। ये इस आईसी को इस हिसाब से वो अपना वोल्टेज स्विचिंग करता है और ये 24 वोल्ट पे वर्क करती है, लेकिन ये 12 वोल्ट पे बहुत सुंदर वर्क करेगी। मैं आपको 12 वोल्ट पे दिखाऊंगा कि कैसे ये 12 वोल्ट पे जलेगी। बहुत सारे का प्रश्न रहता है कि सर ये जो 24 वोल्ट की है इसके लिए हमको 24 वोल्ट की पावर सप्लाई लगेगी या एक बूस्ट अप बूट लगेगी, लेकिन मैं जो फंडा बता रहा हूँ आप उस फंडे का हिसाब से आप चलोगे या इस टिप्स के हिसाब से चलोगे टेक्निक के, तो आपको कोई भी 24 वोल्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 12 वोल्ट पे ही आप जला सकते हो। और ये मैं प्रैक्टिकल आपको करके दिखा रहा हूँ। तो हम लोग आए देखो इसको, समय ज़्यादा नुकसान ना हो। ऐसा ही मॉडल पे मैंने एक वीडियो बनाया है, आप चाहो पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हो, 255S ड्राइवर। और ये ड्राइवर जो है आप 40 इंच में बहुत अच्छा चलता है, लेकिन 40 इंच में हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, कैसे पता लगाएंगे, ये पहले आप लोग जान दो कि इसको 40 इंच में हम लोग क्यों लगाते हैं। आप जब भी ड्राइवर इंस्टॉल करो तो पहले हमारी जो बैक लाइट है जिसमें हमारी पैनल में जो जितनी स्ट्रिप लगी है वो आखिर कितने वोल्ट की है, इसकी जानकारी आपको लेना बहुत जरूरी है। तो देखो ये प्लस और माइनस यहाँ दिख रहा है ना, ये बहुत सारी वायर भी निकलती है, उसका फंडा क्या है मैं अपने ट्रेनिंग में बहुत इजी डिटेल्स बताता हूँ। और हमारी ट्रेनिंग जो है बहुत इजी पे चलती है, आप लोग जैसे बोलते हो मैं उसी हिसाब से आगे बढ़ता हूँ। और हम अपना ट्रेनिंग में बहुत इजी, जितना इजी हो सके उसको इजी करके मैं बताता हूँ। और हमारी ट्रेनिंग 5 दिन के लिए होती है जो कि A to Z होती है और फुल प्रैक्टिकल पे होती है, कोई प्रोजेक्टर नहीं होता है। आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर आप देखो कि ये कितना वोल्ट पावर कंज्यूम कर रहा है, यहाँ पर दिखाइए, ये एलईडी टेस्टर,
एलईडी टेस्टर से मैंने इसको देखा कि ये लगभग 50 यानी 52 वोल्ट 52 वोल्ट दिखा रहा है। यानी आप इसको सबसे ज्यादा से ज्यादा आप इसको 5 ज्यादा या 5 कम लेके चल सकते हो। तो यानी ये 52 दिखा रहा है तो इस पे हमको लोड देना पड़ेगा लगभग 60 के अंदर, 60 का अंदर, यानी 5 ज्यादा 5 कम। तो 60 का अंदर रहने से क्या होगा, हमारा लॉन्गजिविटी बढ़ेगा। और ये 52 यानी इससे अगर कम रहेगा 5 तो हमारी जो ब्राइटनेस है वो कम हो जाएगी। तो इस बात को आपको ध्यान लेकर चलना होगा कि ये कितना वोल्टेज खा रहा है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब ड्राइवर को हम लोग लोड देंगे। हम लोग एक बार हमारी जो एलईडी टीवी है उसकी लाइन देकर देख ले कि इस मदरबोर्ड की सॉकेट यानी पावर और मदरबोर्ड से जो कनेक्ट हो रहा है उस सॉकेट पे हमको क्या, कहां पर क्या वोल्टेज मिल रहा है, क्योंकि हमको 3 वोल्टेज को जरूरी है, जैसे बैकलाइट ऑन और एक 12 वोल्ट और एक ग्राउंड, ये तो जरूरी है ही। उसके बाद हमको क्या एडीजे या पीडब्ल्यूएम की जरूरत होती है जो कि बैकलाइट की ब्राइटनेस को कम बेसी करती है। तो यहां इस पावर में, इस मॉडल में आपको 24 भी मिल जाएगा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको 12 वोल्ट पे रन करेंगे। तो हम यहां पर देख ले कि हमारी 12 वोल्ट कहां मिल रहा है। तो यहां पर हमको एक मिनट ऑन करना पड़ेगा। हाँ चलो ऑन हो गई। आप देख सकते हो यहां पर मीटर पे दिखाइए, आप उनको मीटर पे थोड़ा दिखाइए, मीटर में वोल्टेज आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा 11.9, यानी ये हमारी 12 वोल्ट हुई। और एक बैकलाइट ऑन, बीएल ऑन, यहां पर आप देख सकते हो कि 3.0, ये हमारी बैकलाइट ऑन। और एक हमको ग्राउंड, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, आओ कनेक्शन कर ले। कनेक्शन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, बैकलाइट की देखना होगा कि आउटपुट कितनी आ रही है, क्योंकि ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है इसमें कि आपकी इनपुट कितनी है और आउटपुट कितनी है, इसकी मेजरमेंट आपको लेकर आगे बढ़ना होगा। तब आप बैकलाइट को बहुत अच्छी तरह से और बहुत इजी आप जला सकते हो, जो कि लॉन्गजिविटी मतलब लंबी समय तक भी वो चलेगी। ड्राइवर में आप देख सकते हो, यहां पर आप नजदीकी से लाओ, इनको दिखना चाहिए साफ सुथरा। और ये देख सकते हो कि आप इसकी 24 वोल्ट यहां दिखाई दे रहा है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे 12 वोल्ट पे इसको रन करने के लिए हम लोग ये करेंगे। और यहां पर एक इनेबल दिखाई दे रहा है, जो कि इनेबल का मतलब हुआ बैकलाइट ऑन। तो हम लोग यहां पर कनेक्शन कर लेंगे, जो कि यहां पर इनेबल दिखाई दे रहा होगा आपको। हम लोग इस इनेबल में एक कनेक्शन कर दिए और ये लाल वाली वायर यानी रेड वाली हमारी प्लस हो गई, या 12 हो या 24 हो, इसमें 24 भी आप देख सकते हो, ये 24 में ही बोलकर आती है। लेकिन बहुत सारे बोलते हैं कि 24 में कहां से लाऊं, इसमें तो 12 वोल्ट ही है। उसके लिए मैं बोल रहा हूं कि ये 12 वोल्ट में भी बहुत अच्छा वर्क करती है, और मैं ये आपको दिखाना चाहता हूं कि ताकि आप लोग भी कंफ्यूज ना हो। और यहां पर देख सकते हो हमने 3 वायर को इसको कनेक्शन दे चुका हूं। तो दोस्तों हम लोग आगे बढ़ने से पहले एक मैसेज है, आप देख सकते हो कि हमारी ट्रेनिंग जो है कोलकाता में होने वाली है 10 तारीख को, इसी महीने 10 तारीख को, जो जिसकी रजिस्ट्रेशन जो है ऑलरेडी फुल हो चुकी है। और आप लोग वेट कर रहे हो, बहुत सारे फोन आए हैं कि सर हमको भी ट्रेनिंग लेना है, तो उसको नजर रखते हुए मैंने एक नया डेट फिक्स किया हुआ हूँ। देख सकते हो आप स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एलसीडी एलईडी टीवी ट्रेनिंग न्यू बैच स्टार्ट इन कोलकाता, डेट फिक्स 27/7 से 19 और से लेकर 31/7/19, जो कि 15 मेंबर की बैच होगी। हमने अपने हर ट्रेनिंग में मैं बोला हूँ कि 15 हमको चलेगा, 14 चलेगा, लेकिन 16 नहीं चलेगा। आप चाहो तो इसमें पार्टिसिपेट या ट्रेनिंग ले सकते हो, जो कि जो सीआरटी वाले हैं उनके लिए ये ट्रेनिंग है, जो नए हैं उनके लिए नहीं है। तो आप इस नंबर पर 9874622670 पर आप कॉल करके जल्दी से जल्दी इस सीट को बुक कर सकते हो। ये 15 मेंबर की होती है, वो बहुत जल्दी फुल हो जाती है। और फिर आप लोग डिटेल्स लेकर बोलते हो कि सर हमने डिटेल्स आप दिए थे, तो मैं हर कोई को बोलता हूँ डिटेल्स लेने के बाद आप फोन करके ही रजिस्ट्रेशन कराएं, ताकि ये सीट कब कितने समय में फुल हो जाएगी वो बोला नहीं जा सकता। और बांग्लादेश से जो ने हमें बोलते चाहे जुलाई माह से अपना देर जुलाई माह से बांग्लादेश से ट्रेनिंग होवे, अपनी तारातारी यही नंबर है जोगाजोग करे, डिटेल्स जानकारी लिए लीन, ताकि अपना देर और ट्रेनिंग सुविधा हो जाए।
ট্রেনিং আপনি করতে পারবেন। এইটা এই জুলাই মাসে মোটামুটি ধরে রাখুন 10টা থেকে 12 জন মেম্বার অলরেডি হয়ে গেছে, এটা 20 মেম্বার হবে। আর ইসে পহলে কি আপ কলকাতা মে কুছ সেমিনার কে লিয়ে আপকো জানকারি করনি হো তো আপ ইস নম্বর পে ভি কল কর সকতে হ্যায়, ইয়ে হামারি নম্বর হ্যায়। আর হাম লোগ আগে বড়ে, আপ দেখ সকতে হ্যায় দোস্তো, ইসকো মেনে কানেকশন কর চুকা হুম। আর ইয়ে কানেকশন করনে কে বাদ ইয়ে আখির লাইন দেনে পর ইয়ে হামারি আনলোড কিতনে দিখা রহি হ্যায়, ইয়ানি লোড কো পহলে আপ বাদ মে জয়েন্ট করো, আনলোড কিতনে দিখাই দে রহে তো হামনে ইস সুইচ কো অন কর দিয়া। অন করলে কে বাদ হাম গ্রাউন্ড, আপকো ইয়াদ রাখনা হোগা ইস সকেট পে আপকো গ্রাউন্ড দেনা হোগা, না কি ইস কন্ডেন্সার কি গ্রাউন্ড। ইস কন্ডেন্সার কি গ্রাউন্ড আপ দোগে তো ইয়ে ওয়ার্ক নহীং করেগি। আপ ইস সকেট, ইয়ে সকেট মে জাহাঁ গ্রাউন্ড বানায়া হ্যায় আপ ওহাঁ গ্রাউন্ড দো, আর ইসকা প্লাস আপ লে সকতে হো, লেকিন ইসকা গ্রাউন্ড আপ ডাইরেক্ট নহীং লে সকতে হো, ক্যোঁকি ইয়ে ইয়ে ভায়া রেজিস্ট্যান্স হোকার আতি হ্যায় গ্রাউন্ড। ক্যোঁকি হাম লোগ মাল্টিমিটার ইয়া ডিজিটাল মিটার সে আগর হাম লোগ কন্টিনিউটি কো শো করতে হ্যায় তো ইয়ে বাজার বজনে লাগতি হ্যায়, তো হাম লোগ সমঝতে হ্যায় কি ইয়াহাঁ পর ভি গ্রাউন্ড দেনে সে চলেগা, লেকিন নহীং, ইয়ে গ্রাউন্ড ইয়াহাঁ দেনে সে আপকো নহীং চলেগা। তো ইসলিয়ে ইয়ে জাহাঁ গ্রাউন্ড হ্যায় আপকো ওহাঁ গ্রাউন্ড দেনা পড়তা হ্যায়। ইয়াহাঁ পর হাম লোগ দেখেঙ্গে অনলোড, অনলোড মে কিতনা দিখাই দে রহা হ্যায়, ইয়াহাঁ মিটার পে দিখাইয়ে ইনকো, দেখো 184 ভোল্ট, ইয়ানি আপকা প্যানেল মে জিতনি এলইডি স্ট্রিপ লগি হুই হ্যায় আখির ও কিতনি ভোল্ট কি হ্যায় ও আপকো সিলেক্ট করনা হ্যায় কি আপ ইয়ে 184 ইয়ে আপকি 40 ইঞ্চ মে লগি হ্যায় কি 50 ইঞ্চ মে লগি হ্যায় কি 32 মে লগি হ্যায়, ইয়ে আপকো ক্যালকুলেট করনা হ্যায়। লেকিন ইস ইয়ে আনলোড মে আপকো দিখায়া 184, আর ইয়াহাঁ ইনপুট দেখ লো, ইনপুট কিতনি হ্যায় ইয়াহাঁ পর দেখো, ইয়াহাঁ পর দিখাইয়ে ইনপুট আপ দেখ সকতে হো 11.9, ইয়াহাঁ দিখাইয়ে কন্ডেন্সার পে, ইস কন্ডেন্সার পে আপ দেখ সকতে হো এই লাল ওয়ালি ওয়ায়ার জো কি ইনপুট হ্যায়, ইয়াহাঁ পর ইনপুট মে আপকো 11., ইয়ানি ইনপুট সে জাদা আর আউটপুট সে কম, ইস বিচ মে আপ আগর কহীঁ পর ভি ইসকো লোড দোগে তো ইয়ে অটো অ্যাডজাস্ট কর লেগা। আব হামনে ইয়াহাঁ পর ক্যা দেখা থা, ইয়াহাঁ পর দিখাও, হালাকি ইয়াহাঁ পর মে দুসরা ড্রাইভার লাগা দুঙ্গা তো ইয়ে চলেগা, লেকিন ইয়ে ভিডিও বানানে কা মকসদ হ্যায় আপ লোগ কে লিয়ে, কি মে আপ লোগ কো ইয়ে সমঝা পাও কি আখির ইয়ে লাগেগা কেসে আর অ্যাডজাস্ট কেসে করেগা। জো জানতে হ্যায় উনকে লিয়ে তো সহি বাত হ্যায়, জো নহীঁ জানতে হ্যায় উনকে লিয়ে ইয়ে বহুত লাভদায়ক হোগা। আর ইয়ে হামারি ট্রেনিং মে অল টোটাল ডিটেলস দিয়া যাতা হ্যায়, ইয়ে তো ছোটি মোটি বাত হ্যায়, হামারি ট্রেনিং মে প্যানেল কি ফুল ডিটেলস দিয়া যাতা হ্যায়, আর সাথ সাথ মে আপ দেখ সকতে হো কি ইয়ে জো বুক হ্যায় ইয়ে আপ লোগ কে লিয়ে মে বানায়া হুঁ, ইয়ে অসিলোস্কোপ কি সিগনাল পালস ওয়েফর্ম আর ডিসি টু ডিসি আইসি ইয়াহাঁ পর প্যানেল কে লিয়ে, তো ইয়ে হাম হর দিন হর এক এক বুক মে দেতা হুঁ তাকি আপকো সমঝ মে আ যায়, এ ওএলইডি পর ভি মে আপকো দেতা হুঁ ডিটেলস, আর ইয়ে মদার বোর্ড স্ট্যান্ড বাই এ পাওয়ার অল টোটাল মে আপকো এ টু জেড দেতা হুঁ তাকি আপকো সমঝনে মে কোই দিক্কত না হো। তো হাম লোগ আগে বড়ে, দেখিয়ে দোস্তো হামনে ইসকো লাইন দে চুকা হুঁ, লোড দে চুকা হুঁ, ইয়াহাঁ পর আপ দেখ সকতে হো কি ইয়ে হামারি জো হ্যায় ব্যাক লাইট অন হো চুকি হ্যায়, লেকিন আপকো ইসি পে রুকনা নহীঁ হ্যায় ক্যোঁকি আপনে জো এলইডি টেস্টার হ্যায় উসসে আপনে ভোল্টেজ কিতনা দেখা থা 52, আর মানে আপকো বলা থা কি 52 ইয়ানি 5 জাদা ইয়া 5 কম, আগর জাদা আয়া তো ঠিক হ্যায়, কম আয়া তো হো সকতা হ্যায় ধিমি চলে, লেকিন দেখে উস রেঞ্জ মে ইয়ে হ্যায় কি নেই, তো হাম লোগ লোড দেনে কে বাদ ইয়াহাঁ পর ভোল্ট মাপেঙ্গে। আপ ইয়ে সহি সে মে ক্যা বোলনা চাহতা হুঁ ও আপ আগর জান লো, ইয়াহাঁ পর আপ দেখ সকতে হো কি ইয়ে 53 ইয়ানি 52 থা ইয়ানি 53 আয়া হ্যায় ইয়ানি এক জাদা, তো হমকো হো সকতা হ্যায় ইয়ে ব্রাইট হমকো কম দিখ রহি হো, তো ব্রাইট আগর কম দিখ রহি হো তো হাম লোগ ক্যা কেবিল লাগা লে একবার, কেবিল লাগানে সে হাম লোগ দেখ লে ক্যা হো রহা হ্যায়, ইয়ে হামারি টিভি চল রহি হ্যায় লেকিন হমকো লাগ রহা হ্যায় কি ইয়ে ব্রাইট থোড়ি কম হ্যায়, তো আব ইসকো হমকো ব্রাইট জাদা করনা হ্যায়, ইস মডুলার মে ইয়া ইস পাওয়ার কি ড্রাইভার মে, মডুলার কোই বলতে হ্যায় কোই পাওয়ার কি এলইডি ড্রাইভার বলতে হ্যায়, তো ইয়াহাঁ পর এলইডি ড্রাইভার মে হমকো ক্যা মিলা, ইয়াহাঁ পর হমকো মিলা 53 ভোল্ট, আর হমকো
एलईडी टेस्टर में मिला 52 वोल्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये 3.3 ओम्स की ये जम्पर दिया हुआ है। तो आप नजदीक लाओ, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जम्पर दिया हुआ है। ये एक जम्पर, यानी हमको एक जम्पर शॉर्ट करना है और यहाँ पर हमको वोल्ट देखना है और हमको यहाँ पर ये जो मॉस्फेट लगी है उसको भी देखना है कि ये ठंडी है कि नहीं। ये अभी बिल्कुल ही ठंडी है। तो हम लोग आओ इसको एक बार जम्पर करके देखिए। तो ये देखो हम लोग क्या किया है, एक शॉर्ट कर दिया, एक जम्पर हमने इसको शॉर्ट किया। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, वोल्ट। तो यहाँ पर दिखाओ, यहाँ देखो 57.5, यानी हमारी वोल्ट ऑलरेडी बढ़ चुकी, जो मैंने 5 ज्यादा बोला था, यानी 52 और 5 57, यानी ये जो 57 आया, यानी एक जम्पर हमने शॉर्ट किया तो ये 57 आया। अगर दो करेंगे तो ये ज्यादा आएगा। तो आपको क्या करना होगा, इनपुट और आउटपुट। देखो ये आउटपुट हमारी थी 184, लेकिन इसमें मैंने लोड दिया क्या इनपुट से ज्यादा और आउटपुट से कम, यानी ये बीच में रहा और इसने ऑटो एडजस्ट कर लिया। तो जितनी मार्केट में यूनिवर्सल जो ड्राइवर मिल रही है एलईडी ड्राइवर, वो सब ऑटो एडजस्ट है। आप सिर्फ उसको इनपुट और आउटपुट मतलब नजर में रख कर ही आपको उसमें लोड देना है। तो हम लोग देख ले कि इसकी ब्राइट कैसी आ रही है। देखिए दोस्तों, इसकी ब्राइट बढ़ गई, ये 5 वोल्ट बढ़ने से इसकी ब्राइट हमारी जो है बहुत क्लियर हो गई, जो कि आपकी हमेशा ये ब्राइटनेस की प्रॉब्लम होती होगी। आप लोग हो सकता है कि सीरीज है तो खोल के इसको पेयर में करते होगे और दूसरी ड्राइवर डालते होगे, जिससे कि जल तो जाती है लेकिन लॉन्गविटी नहीं होती है और वो ब्राइट नहीं मिलता है। तो आप देख सकते हो ये ड्राइवर जो है हमारी बैकलाइट की ड्राइवर जो बहुत ठंडी है, एकदम ठंडी है, ये आपको चेक कर लेना होगा। और ये इनपुट भी हमारी कितनी इनपुट से चल रही है, तो 12 वोल्ट से, यानी 24 भी देने से चलेगा और 12 वोल्ट भी आपको देने से चलेगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद।